तो वेल फिलहाल स्ट्रीम जो है वो शुरू हो गई है और होप के जो स्ट्रीम है वो कंटिन्यू इसी तरीके से चले। और अगर जो हम फिलहाल जोन की बात करें तो जो जोन है वो यहाँ पर डाउन साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो शिफ्ट लिया हुआ है और सारी की सारी जो टीम्स है वो अपने रोटेशन डालते हुए हमें दिखाई दे रही है। वहीं अगर जो बात करें हम फिलहाल यहाँ पर सारी टीम्स की, तो वो जो टीम्स है वो फिलहाल अपनी पोजीशन जो है वो ग्रैब करने की कहीं ना कहीं ट्राई कर रही है। वहीं अगर जो फिलहाल बात करें हम DTR की, तो वो फिलहाल अपनी जो लैंड है, पोजीशन है, वो यहाँ होल्ड किए हुए है। और वन बाय वन हम आपको सारी की सारी जो टीम्स है वो दिखा देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर जो बात करें टीम नंबर सेकेंड की, तो वो फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर जो टीम BL की बात करें तो टीम BL फ़िलहाल यहाँ पर आप लोगों को जो है वो दिखाई दे रही है। फोर्थ नंबर की बात करें तो सेवेक वॉरियर्स की जो टीम है वो आपको दिखाई देगी। टीम फाइव की बात करें तो फाइव नंबर से फिलहाल यहाँ पर जो डैशिंग ऑफिशियल्स है वो खेलते हुए दिखाई देगी। वहीं अगर जो सिक्स नंबर की बात करें तो भूत एक्स आपको एंटरटेन करेगी। सेवन नंबर की बात करें तो सेवन नंबर से फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो आप लोगों को स्पाई द किंग जो है वो टीम देखने मिलेगी। एट नंबर पे टीम सीक्रेट है। टीम नाइन नंबर पे जो है वो भूत की टीम आप लोगों को देखने मिलेगी। दस नंबर पे पिरहाना की जो टीम है वो देखने मिलेगी। इलेवन नंबर पे नॉट गॉन और लॉस की टीम। ट्वेल्व नंबर पे ब्लैक किंग की टीम। थर्टीन नंबर पे यहाँ पर यलगार आर्मी की टीम। फोर्टीन नंबर पे टीम ट्वेंटी। फिफ्टीन नंबर पे आप लोगों को वैनम की टीम दिखाई देगी। सिक्सटीन नंबर पे जो है वो आप लोगों को शार्प की जो है वो टीम दिखाई देगी। तो होप के जो स्ट्रीम है वो सही तरीके से वर्क कर रही है और अब भाई कोई इशू ना आए, बरसात अटका ही रहे। वेल फिलहाल हम कमेंट पढ़ लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आयुष जरीवाला, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। महफूज बंसारी, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। भाई कैसे चल रहे हैं कि चालू नहीं हो रहा? अरे बड़ी क्या करे यार, ये नेटवर्क इशू ही इतना हो रहा है कल से के क्या कर सकते हैं। तो वेल फिलहाल यहाँ पर सारी की सारी जो टीम्स है वो आप लोगों को अपनी जो पोजीशन है वो यहाँ ग्रैब करती हुई दिखाई दे रही है। और अतिफियान भूत को दिखाओ जी, ज़रूर हम जो भूत की टीम है उसे भी यहाँ हम जो है वो दिखाएंगे आप लोगों को। तो जो भूत की टीम है वो अपनी फेवरेट प्लेस जो है वहीं पिकाडो पे ही अपना जो लैंड है वो ग्रैब की हुई है। तो लेट्स सी, देखेंगे कि यहाँ पर जो सारी की सारी टीम्स है वो किस तरीके से अपना जो है वो रोटेशन डालेगी और जो अपनी अपनी पोजीशंस है वो ग्रैब करेगी। फिलहाल तो जो है वो फाइट कहीं ना कहीं हमें एंगेज होती हुई जिराई दे रही है, जहाँ TFX रुद्रॉक्स जो है वो फिलहाल नॉक हो गए हैं। और लेट्स सी, देखते हैं फिलहाल उनकी जो फाइट है वो सेवेक वॉरियर्स के साथ कहीं ना कहीं एंगेज हुई है, जहाँ रुद्रॉक्स जो है वो पूरी तरीके से नॉक एंड फिनिश हो गए हैं। और अगर जो सेवेक वॉरियर्स की टीम की बात करें तो जो सेवेक वॉरियर्स की टीम है वो पूरी तरीके से फिलहाल यहाँ BL की टीम पे हावी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ मिस्टीरियो ने सबसे पहला किल जो है वो कंफर्म कर लिया है। और अगर जो SWMR की बात करें तो उन्होंने भी अपना जो पहला किल है वो उठा लिया है। तो और देखेंगे कि अब जो बाकी दो बचे प्लेयर्स हैं यहाँ पर टीम BL के, वो किस तरीके से सेवेक वॉरियर्स के साथ अपनी जो फाइट है वो एंगेज करेंगे। फिलहाल तो जो क्लच गॉड है वो यहाँ पर जो स्मोक है वो डालकर कहीं ना कहीं पेटी जो है वो उसे लूट कर कुछ इक्विपमेंट्स यूटिलिटीज़ जो है वो अपने पास गैदर करने की ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास जो है वो कुछ अच्छी खासी लूट नहीं थी। फिलहाल यहाँ पर जो है वो बैरर उन्होंने उठा लिया है और शॉर्ट रेंज में हम सबको पता है बैरर का जो पावर होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। यहाँ पर मिस्टीरियो जो है वो ओपन में ही आ गए हैं, जिसको देख के क्लच गॉड जो है उन्होंने फिलहाल यहाँ पर फॉल बैक जो है वो लिया हुआ है। तो लेट्स सी, देखेंगे कि यहाँ पर सेवेक वॉरियर्स की जो टीम है उन्होंने दो किल तो उठा लिए हैं, तो क्या कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर BL की टीम पे वो पुश करते हैं या फिर जो BL की टीम है वो 2v4 क्लच निकालती है। फिलहाल तो यहाँ पर क्लच गॉड को काफ़ी बढ़िया तरीके से मिस्टीरियो ने स्पॉट करके रखा हुआ था। यहाँ पर फ्लैंक करने की ट्राई की, लेकिन क्लच गॉड का बहुत ही बढ़िया स्प्रे आया, जिसके चलते यहाँ पर नॉक हो गए। लेकिन क्लच गॉड का जो है वो रिटेलिएशन फायर में जो क्लच गॉड है उन्होंने अपना जो नॉक है वो खो दिया है। बेबी स्लिप अकेले सर्वाइवल उनकी टीम के लिए बचे हुए, जिनके पास SKS फिलहाल दिखाई दे रही है, जहाँ SW सुफी ने उन्हें भी स्पॉट कर लिया है और पूरी तरीके से पुश करने की ट्राई कर रही है, और बहुत बढ़िया पुश, जिसके चलते जो टीम BL है वो यहाँ पर पूरी तरीके से नॉक एंड फिनिश जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर फिलहाल हमें जो पहला एलिमिनेशन है हमारा वो टीम BL का देखने मिल रहा है। फिलहाल अगर जो जोन की बात करें तो जो जोन है वो पूरी तरीके से कटना कहीं ना कहीं शुरू हो गया है, और अब जो जोन है वो कौन से एरियाज में शिफ्ट लेगा वो देखना होगा। भाई अभी भी थोड़ा अटक रहा है। हाँ बड़ी, वो जो बारिश होती है ना, वो बारिश की वजह से आप लोगों को जो है वो ये इश्यूज आते हैं। बारिश की वजह से थोड़ा जो है
वो ये बस सारी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज़ क्या कर सकते हैं, बारिश के ऊपर ना हमारा कंट्रोल है ना किसी और का कंट्रोल है। तो वेल, जैसे ही बारिश गिरती है ऑटोमेटिक वाईफाई इस तरीके की चीज़ें जो है वो दिखा ही देता है। तो वेल, लेट्स सी, देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगी। फ़िलहाल हमारी FNC के लिए कि अगर ऐसा ही नेट रहा तो हो चुका कल्याण FNC का। फिलहाल यहाँ पर अगर जो बात करें टीम नंबर 19 की, तो जो डिफेंडर की टीम है वो आप लोगों को यहाँ पर अपनी जो लूट है वो कहीं ना कहीं ग्रैब करती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर जो बात करें हम फिलहाल कमेंट बॉक्स की, तो कमेंट भी फिलहाल यहाँ पर सारी की सारी जो टीम्स है वो कर रही है। और जितने भी लोग हमारी स्ट्रीम को देख रहे हैं उनसे मैं एक दरख्वास्त करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि लेट्स सी, देखते हैं कि कैसे चीज़ें यहाँ पर सारी टीम्स के लिए, हाँ सॉरी, उनसे एक दरख्वास्त करूँगा कि क्वालिटी को थोड़ी बहुत लो कर दे अगर शायद कुछ वर्कआउट जाए, बिकॉज मैं यहाँ पर अपनी जो कमेंट्स पढ़ने के लिए YouTube यूज़ कर रहा हूँ उसमें मैंने 240 की ही क्वालिटी रखी है। तो मेरा तो गेम प्ले जो है वो पूरा स्मूद चल रहा है, तो आपका भी जो है वो स्मूद चलेगा, तो वो ट्राई करके देखो अगर आप में अटक रही है गेम्स। फिलहाल यहाँ पर अगर जो स्पाइस द किंग्स की बात करें, तो उन्होंने जो है वो फाइट लेना शुरू कर दिया है, जिसमें यहाँ पर ओह गॉड किल ने पिराना के एक प्लेयर को स्पॉट कर यहाँ पर इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश जो है वो निकाला। लेकिन पिराना मास ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ओह गॉड किल को यहाँ पर स्पॉट किया और ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 HP छोड़ा था, लेकिन पीछे से बहुत बढ़िया रिटेलिएशन फायर जो था वो स्पाई हसन का आया, जिसने पिराना मास को पूरी तरीके से जो है वो नॉक कर दिया है। पिराना साद और नवाब जो है वो वहाँ रीच से कहीं ना कहीं जो स्पाई द किंग के प्लेयर्स है उन्हें स्पॉट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पर जो पिराना साथ है वो भी नॉक हो गए हैं, पिराना मास भी नॉक हो गए हैं, और नवाब जो है वो अकेले सर्वाइवल उनकी टीम के लिए बचे हुए हैं। तो देखना होगा कि जो नवाब है वो यहाँ पर क्या काम क्या कमाल करके दिखाते हैं, या फिर जो है द स्पाइकी किंग, जो द स्पाइकी टीम जिन्होंने पहला चिकन डिनर निकाला था, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाजी मारकर लेकर जाती है। फिलहाल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से FTW MJM जो थे उन्होंने यहाँ पर जो है वो उन्हें स्पॉट किया और बहुत बढ़िया इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश निकाला। वेल, फिलहाल जो जोन है वो कटना शुरू हो गया और जो हमारा एयर ड्रॉप जो है, फ्लैट ड्रॉप जो है वो यहाँ पर आ चुका है, और जो फ्लैट ड्रॉप है वो यंग मनी की जो टीम है उन्होंने मंगवाया है, जिसमें हमें फिलहाल AWM और Level 3 की यूटिलिटीज जो है वो दिखाई दे रही है। हाँ, बट ये जो स्ट्रीम है वो ऑलरेडी 1.30 मतलब 1.5 मिनट जो है वो डिले ही चल रही है, डोंट वरी अबाउट इट, किसी की जो पोजीशन है वो एट अ टाइम रिवील नहीं हो जाएगी। तो वेल, फिलहाल यहाँ पर अगर जो बात करें 16 नंबर की टीम की, तो 6 नंबर की जो टीम है उनकी फ़ाइट यहाँ पर फिलहाल एंगेज्ड होती हुई हमें दिखाई दे रही थी। तो चलिए फटाफट से जो 6 नंबर की टीम है उन पर यहाँ पहुँच जाते हैं, बट फिलहाल यहाँ पर कोई भी प्लेयर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। 8 नंबर का कॉल आया था भाई, तो 8 नंबर की जो टीम है उनकी फ़ाइट फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो ग्राउंड लेवल पे टीम 20 के साथ एंगेज्ड हो सकती है, बिकॉज जो टीम 20 है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोन होकर पोजीशन ग्रैब की हुई है। वहीं अगर जो बात करें यहाँ पर ब्लैक टीम की, तो उन्होंने फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो डैशिंग ऑफिशियल्स की माया को फिलहाल यहाँ पर जो है वो नॉक कर दिया है। हीरो रिक्वेम जो है वो ऑलरेडी नॉक एंड फिनिश हो गए, और जो स्ट्रीरॉड नाम भी नहीं पढ़ने आ रहा है वो है, वो फिलहाल फ्लैंक कर यहाँ पर अपना जो रोटेशन है वो डालने की ट्राई कर रहे हैं। तो लेट्स सी, देखेंगे कि वो फिलहाल रोटेशन में कामयाब, माया को जो है वो रिवाइव देने में कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो ब्लैक टीम की बात करें, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो माया है उन्हें तो स्पॉट कर रखा हुआ था, तो जो माया है उन्हें तो फिलहाल यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से जो रिवाइवल है वो मिल जाएगा। लेकिन जो ब्लैक की टीम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एग्रेसिव मोड में पुशिन करने की ट्राई कर रही है। फिलहाल जो है वो स्मोक चारों की चारों तरफ आपको घेरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या यहाँ पर चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेगी। HD क्यों नहीं शो हो रहा, बड़ी नेट क्वालिटी, नेट स्पीड जो है वो बहुत लैग कर रही है, इसलिए हमने जो क्वालिटी है उसे लो रखा है ताकि आप लोगों को एटलीस्ट स्ट्रीम जो है वो दिखा पाए। अरे बड़ी स्ट्रीम जो है वो HD करूँगा तो फिर से लैग, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं HD करने की आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, होप के जो नेट है वो ना अटके। पहला चिकन डिनर जो था वो बड़ी स्पाई द किंग की टीम है उन्होंने निकाला हुआ था, शार्प टीम को दिखाओ जी, बड़ी श्योर शार्प टीम को भी हम दिखाएंगे। तो फिलहाल जो शार्प की टीम है उन्होंने अपने जो शार्प लियो है उन्हें खो दिया है, और फिलहाल उनकी फाइट यहाँ पर एंगेज हो गई है, जहाँ मिस्टर अमेरिका आप लोगों को जो है वो नॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 18 नंबर की जो टीम है यहाँ पर,
उनके साथ फिलहाल यहाँ पर यंग मनी के साथ उनकी जो फाइट है वो कहीं ना कहीं एंगेज हुई है, जहाँ शार्प रॉक्शन के काफ़ी ज़्यादा करीब SYK 46 जो है वो आ गए हैं और उनके पास फिलहाल यहाँ पर जो है वो मशीन गन हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल तो शार्प रॉक्शन के ऊपर एक रैंडम नेक कहीं ना कहीं थ्रो करने की ट्राई की, लेकिन शार्प रॉक्शन जो थे उन्हें थोड़ा बहुत डैमेज जो है वो पड़ा, लेकिन इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी उन्हें नहीं हो पाई है। फिलहाल यहाँ पर अगर जो बात करें शार्प की टीम की, तो उन्होंने फिलहाल यहाँ SYK 46 को स्पॉट कर रखा हुआ है और पीछे से बहुत बढ़िया रिटेलिएशन फायर आया, जिसके चलते यहाँ पर उनकी नज़र जो थी वो पीछे चली गई, जिसका फ़ायदा यहाँ पर SYK ने उठाया और पूरी तरीके से नॉक एंड फिनिश निकाला। तो वेल प्लेड यहाँ पर मैं कहूँगा जो यंग मनी की टीम है उन्होंने। मोहम्मद अली पटेल ब्लैक टीम को दिखाओ जी बड़ी श्योर, ब्लैक टीम को भी आपको जो है ब्लैक टीम के दर्शन भी आपको करा दिए जाएंगे। तो जो ब्लैक टीम है उन्होंने फिलहाल अपना जो एक प्लेयर है किंग हमज़ा उसे खो दिया है और वो फिलहाल तीन प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, जहां किंग सैफ ने 2 किल उठाए हैं और ब्लैक आमिर है उन्होंने यहां पर 1 किल उठाए हैं। वेल गाइस जो स्क्रीन है उसे मैंने HD की हुई है, तो एक बार मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि जो स्ट्रीम है वो सही से चल तो रही है ना, या फिर से कुछ लैग हो रहा है या बफरिंग हो रही है। तो एक बार प्लीज़ बता दीजिएगा कि सही से चल रही है या नहीं। फिलहाल यहाँ पर अगर जो बात करें सारी टीम्स की, तो वो अब अपनी जो रोटेशन है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज जो सेकेंड सर्कल है वो भी अब कटना 50 सेकेंड्स में शुरू हो जाएगा। तो वेल लेट्स सी देखेंगे कि सारी की सारी जो टीम्स है वो कैसे अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाएगी। वेल जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाइज, उनसे तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम लाइव स्ट्रीम जो है वो सही तरीके से 2 दिन से नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ जो नेटवर्क इशू है बहुत ज़्यादा हमारे एरिया में हो रहा है बारिश के वजह से, बिकॉज़ पता ही है भाई यूड्रॉप बैंक में चीज़ें होती रहती है, नेटवर्क ऑटोमेटिक 50 Mbps से सीधा 5 Mbps पे आ जाता है, जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो वेल होप कि जल्दी से ये चीज़ें शॉर्ट हो जाए और आप लोगों को स्ट्रीम जो है वो कंटिन्यू अच्छे बेसिस पे देखने मिल जाए। टीम नंबर 5 को देखने की फ़िलहाल यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो मनोज OP की आई हुई है, तो चलिए टीम नंबर 5 को हम दिखाते हैं। बट बड़ी जो टीम नंबर 5 है डैशिंग ऑफिशियल्स, वो पूरी तरीके से नॉक एंड फिनिश जो है वो हो गई है। फैमब्रो नेटवर्क इशू के चलते जो स्ट्रीम है वो नहीं हो पाई थी, तो जिस वजह से आप लोगों को जो पहली मैच की स्ट्रीम है वो नहीं दिखाई देगी। विवेक 20 को दिखाओ, बड़ी 20 को दिखाए या 20 नंबर की टीम को दिखाए। फिलहाल यहाँ पर 14 नंबर की जो टीम है वो यहाँ अपनी जो पोजीशन है वो ग्रैब करती हुई आपको दिखाई दे रही। वेल फिलहाल यहाँ पर अगर जो बात करें यश पटेल की, तो यश पटेल को विवेक 20 को देखना है, तो जो विवेक 20 है वो अपनी पोजीशन यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से बनाए हुए हैं। माया गुप्ता थैंक्स डियर, यू आर मोस्ट वेलकम। राणा भाविन मस्त चल रही है भाई अब, अरे थैंक यू सो मच राणा भाविन फॉर योर लवली सपोर्ट। HD हो गई, अरे जी होप के जो स्क्रीन है वो अब अच्छे तरीके से चल जाए। मनोज OP थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्ड। माया गुप्ता थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्ड। राणा भाविन थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्ड। M शाहनवाज अशरफी टीम वैनम जी बड़ी श्योर, टीम वैनम को भी हम जो है वो दिखाएंगे। तो फिलहाल जो टीम वैनम है उनसे आप लोगों को 4 प्लेयर खेलने दिख रहे हैं, वैनम दीवान, विंटेज नाविद, पापा तुम्हारे और वैनम AVM। और फिलहाल किसी भी प्लेयर ने कोई भी किल जो है वो अपने नाम नहीं किया हुआ है। जो जोन है वो अब पूरी तरीके से जो है वो कटना शुरू हो जाएगा और जोन फिलहाल कहाँ शिफ्ट लेगा वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जो है वो एक एयरड्रॉप यहाँ पर 6 नंबर का आया हुआ है, जिसमें हमें OG A3 और Level 3 की जो यूटिलिटीज़ है वो देखने मिल रही है। वहीं अगर जो बात करें सर्कल की, तो सर्कल पूरी तरीके से कटना शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो टीम ब्लैक है उनकी फाइट यहाँ पर भूत एक्स के साथ कहीं ना कहीं एंगेज्ड हो गई है, जहाँ भूत एक्स ने अपने 2 प्लेयर खो दिए हैं। वहीं अगर जो बात करें हम ब्लैक टीम की, तो उन्होंने भी अपने जो 2 प्लेयर है वो खो दिए, लेकिन पीछे से निंजा का बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पुश जो था वो हमें देखने मिला, जिसके चलते यहाँ पर जो है वो हमें इंस्टेंट जो है वो उन्होंने निकाला हुआ था। तो वेल लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है आगे। फिलहाल निंजा ने यहाँ पर यंग मनी के प्लेयर को स्पॉट किया और बहुत बढ़िया यहाँ पर जो व्हीकल था उसे पूरी तरीके से जो है वो ब्लास्ट कर दिया है, लेकिन वो जो ब्लास्ट किया व्हीकल को वही फिलहाल यहाँ पर YM Edward के लिए जो है वो कवर बन गया, जिसके चलते फिलहाल यहाँ पर जो है वो
बच चुके हैं। वहीं अगर जो बात करें टीम नंबर टू की, तो उनकी भी फाइट यहां पर एंगेज होती हुई दिखाई दे रही है, जहां फिलहाल यहां पर नॉट गोना लॉस के जो प्लेयर्स है उन्होंने यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं टीम नंबर टू के प्लेयर्स को स्पॉट किया है, जहां स्काउट ओपी जो थे वो पूरी तरीके से यहां पर नॉक एंड फिनिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर जो दिव्येश की बात करें, तो दिव्येश ने फिलहाल यहां पर नॉट गोना लॉस के जो दो प्लेयर्स है उन्हें स्पॉट कर रखा हुआ डाल रहे हैं, इरशाद रोशन कैंपर ओपी। भाई कब तक मैच चलेगा? बट इसके बाद एक और मैच होगा जो सैनॉक में होगा, तो इसके बाद भी एक जो स्ट्रीम है वो कंटिन्यू आएगी, और वो फिलहाल आप लोगों को समझो ना, अभी थर्ड सर्कल चल रहा है और एट सर्कल तक अगर मैच भी गई तो और बड़ी 15 मिनट तो पकड़ ही लो, 15 मिनट के बाद आप लोगों को 11:10, 11:15 के आसपास आप लोगों को जो है वो सैनॉक के मैप की जो आईडी पासवर्ड्स है वो वहाँ मिल जाएगा। स्पाई हसन ओपी, अरे बड़ी जी स्पाई हसन ओपी बहुत बढ़िया गेम प्ले उन्होंने पहली स्क्रीन में दिखाया, जिसमें बहुत बढ़िया चिकन डिनर उन्होंने जो था वो अपने नाम किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पर अगर जो फियर रियाज की बात करें, तो जो फियर रियाज है वो अपने पास M249 जो है वो लिए हुए हैं। वहीं अगर जो 18 नंबर की टीम की बात करें, तो 18 नंबर की जो टीम है हमारी यंग मनी, वो फिलहाल यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइट में एंगेज होती हुई दिखाई दे रही थी, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक जो टीम है उसका वाइपआउट निकाला और जो 6 किल है वो अपने नाम यहाँ पर फिलहाल कर दिया। मुझे लग रहा है वहाँ तक भूत एक्स की जो टीम थी वो उनके काफ़ी ज़्यादा करीब थी, तो फिलहाल भूत एक्स की टीम का जो सफाया है वो यंग मनी के थ्रू हमें देखने मिला है। और फिलहाल यहाँ पर अगर जो बात करें हम जोन की, तो जो जोन है वो पूरी तरीके से अपसाइड शिफ्ट हो गया है, तो सारी की सारी जो टीम्स है उन्हें फटाफट से अपना जो रोटेशन है वो डालकर जोन में तो आना ही होगा। वहीं अगर जो वेनम टीम की बात करें, तो वेनम टीम भी काफ़ी ज़्यादा करीब यहाँ पर नॉट गोना लॉस की आ चुकी है, और कहीं ना कहीं उनका जो रोटेशन है वो नॉट गोना लॉस की टीम के लाइन में ही हमें दिखाई दे रहा है। तो लेट्स ही देखते हैं, फिलहाल यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से जो AP47 ने विंटेज नाविस को यहाँ पर स्पॉट किया हुआ है, और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर ऐसा SLR का जो वन टैप है वो देकर नॉक करने की जो है वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जो है वो सक्सेस नहीं हो पाए, और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है वो वेनम टीम ने अपने जो बैक स्टेप है वो लिए। फिलहाल यहाँ पर जो है वो वेनम एबीएम को स्पॉट किया और फिर से 33 का डैमेज ऑलमोस्ट दिया था, लेकिन जो वेनम एबीएम है वो फिलहाल जोन में चले गए। भाई वेनम नाविद की बात करें, तो उन्हें फिर से यहाँ पर 30 का जो जोन है वो दिखने मिला था। भाई टीम सीक्रेट को दिखाओ, बड़ी श्योर MD आफ्ताब शेख हम टीम सीक्रेट को भी दिखाएंगे, तो टीम सीक्रेट जो है वो मेरे हिसाब से सीक्रेट हो गई है, और 3 किल्स के साथ फिलहाल वो जो है वो रिच पे अपनी पोजीशन यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं, और तीनों के तीनों प्लेयर जो है उनके जिक्स ओपी को छोड़कर उन्होंने फिलहाल यहाँ पर अपने जो किल्स है वो निकाले, और उसके चलते फिलहाल यहाँ पर यलगार आर्मी की जो है वो फाइट एंगेज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। जो रोशी वो भी है वो नॉक हो गए हैं, और जो 002 है वो उन्हें फिलहाल रिवाइवल की प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। डिफेंडर को दिखाओ प्लीज़ राणा भाविन, अरे बड़ी श्योर डिफेंडर को दिखाएंगे, जो डिफेंडर है वो फिलहाल एक भी किल उनके नहीं है और फिलहाल जो है वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारे जो स्पार्कलिंग टीम है DTR, उन्होंने अपना जो किल है वो नाम किया, और यहाँ पर बहुत बढ़िया स्प्रे के चलते रॉश यूओपी को नॉक कर दिया, और मैडॉग ने 002 को भी बहुत बढ़िया तरीके से स्पॉट कर ऑलमोस्ट रखा हुआ था, और यहाँ पर रॉश यूओपी को बहुत बढ़िया नॉक एंड फिनिश जो है वो निकाला है। तो लेट्स ही देखेंगे यहाँ पर जो 002 है वो किस तरीके से अपना रोटेशन डालेंगे। और अगर जो बात करें दोस्ती टॉयस की, तो उन्होंने भाई फिलहाल फ्लैंक जो है वो शुरू कर दिया है, बट मुझे लग रहा है वहाँ तक वो जो है वो कहीं ना कहीं जोन को प्रेफरेंस देने की ट्राई कर रहे हैं, जिसके चलते फिलहाल यहाँ पर जो है वो आगे जो प्लेयर्स है वो एक दूसरे को यूटिलिटीज़ कहीं ना कहीं बांटते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स ही देखेंगे कि फिलहाल यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उनकी टीम के लिए कैसे वर्कआउट करेगी। फिलहाल 18 नंबर की जो टीम है उसकी फाइट कहीं ना कहीं एंगेज हो गई है सेकेंड एंगल के अंदर, बट फिलहाल यहाँ पर फाइट चल रही है, तो यहाँ पर जो है वो SKS का 1-1 टैप जो है वो यहाँ पर भूत की टीम को स्पॉट नॉक निकाल, बट दोस्ती टॉयज को बहुत बढ़िया तरीके से भूत टीपी ने यहाँ पर इंस्टेंट स्पॉट कर M4 का बहुत ही तगड़ा स्प्रे दिया, जिसके चलते जो दोस्ती टॉयज है वो इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश हो गए हैं। तो लेट्स ही देखेंगे कि यहाँ पर चीज़ें अब उनके लिए कैसे वर्कआउट करेगी। फिलहाल जो मैड डॉग की टीम है हमारी DTR, वो अपनी जो चीज़ें है
गई है, तो मैं क्वालिटी जो है वो उसे फिर से लो कर दूंगा, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा जो है वो बफरिंग होगी अगर क्वालिटी मैंने हाई रखी तो। इसके लिए मैंने जो क्वालिटी है वो पूरी तरीके से फिर से लो कर दिया, बिकॉज़ बफरिंग जो है वो थोड़ी देर में स्टार्ट हो गया है। फिलहाल यहाँ पर अगर जो 15 नंबर की टीम की बात करें, तो वेनम टीम की फाइट यहाँ पर जो है वो एंगेज्ड होती हुई हमें दिखाई दे रही है 19 नंबर डिफेंडर की टीम के साथ। तो लेट्स सी देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी टीम आगे जाएगी। और बहुत ही तगड़ा स्प्रे यहाँ पर 19 नंबर की टीम का, जिन्होंने फिलहाल यहाँ पर जो 15 नंबर के दो प्लेयर्स हैं उन्हें इंस्टेंट नॉक जो है वो निकाल लिया है। वैनम दीवाने का अकेले सर्वाइवल उनकी टीम के लिए बचे हुए, जिन्होंने डिफेंडर राणा को स्पॉट कर जो नॉक है वो निकाला हुआ था। और फिलहाल यहाँ पर जो है वो स्मोक कर कहीं ना कहीं अपने प्लेयर्स को रिवाइव देने की जो है वो ट्राई करते हुए हमें दिखाई देंगे। तो लेट्स ही देखते हैं कि हाँ वो अपने प्लेयर्स को रिवाइव देने में कामयाब हो पाते हैं, बिकॉज डिफेंडर की जो टीम है वो पूरी तरीके से ADS उन पर ही घड़ाए हुए हैं। वहीं अगर जो बात करें नो मर्सी अयान की, तो उन्होंने फिलहाल यहाँ पर लीथल चौको जो है वो स्पॉट किया हुआ है, और SK 11 टैप जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन सामने से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा जो है वो हेडशॉट M24 का यहाँ पर लीथल शॉ के थ्रू देखने मिला, जिन्होंने यहाँ पर डिफेंडर के जो नो मर्सी अयान थे उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से जो नॉक है वो निकाल लिया है। तो लेट्स ही देखेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पर अब पुशिंग करने की ट्राई करेंगे, बिकॉज DTR ने अपने नाम 5 किल जो है वो कर लिए है। वहीं फ़िलहाल यहाँ पर सारी की सारी जो टीम्स है वो अब जोन में कहीं ना कहीं आने वाली है, बिकॉज जोन ने सारी की सारी टीम्स को फिर से धोखा दे दिया है। तो जैसे कि हमारी स्क्रीम की जो है वो ये प्रथा चलती आ रही है कि जो जोन है वो किसी भी टीम को प्रेफरेंस देता ही नहीं है, पूरी तरीके से खाली एरियाज में ही शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर वैनम दीवान को बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पॉट कर नॉक एंड फिनिश जो है वो निकाल दिया है। मनोज OP फिलहाल यहाँ पर प्राइस पोल जो है वो हमने नहीं रखा हुआ है, बिकॉज जो इंडियन PUBG है वो नहीं आई हुई है। जैसे ही बगमी आएगी वैसे ही जो प्राइस पोल वाली की कस्टम्स थे वो हमारे स्टार्ट हो जाएंगे बगमी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। तो फिलहाल यहाँ पर जो है वो लीथल शो और मैड डॉग कहीं ना कहीं नॉक हो चुके हैं। तो उन्हें यहाँ पर जो DTR रंगबाज OP और हेमडाल है वो कहीं ना कहीं रिवाइवल देने की प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन ऊपर ही उनके ऊपर यहाँ पर यंग मनी की जो टीम है वो कहीं ना कहीं मंडराती हुई दिखाई दे रही है, जो मैड डॉग की टीम को स्पॉट कर रखे हुए है। फिलहाल यहाँ पर जो है वो फोगाट को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो स्पॉट किया और नॉक एंड फिनिश जो है वो निकाल लिया। और यहाँ पर TP ड्रैगन को भी बहुत बढ़िया तरीके से AP-47 ने स्पॉट कर रखा हुआ है। फिलहाल जो है वो स्मोक का कवर कहीं ना कहीं उन्हें मिला हुआ है, लेकिन जो दिव्येश है उनका पुश यहाँ पर जो है वो आते हुए नॉट गोना लॉस पे, जिन्होंने दिव्येश को पूरी तरीके से नॉक एंड फिनिश जो है वो निकाल लिया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो नॉट गोना लॉस की टीम है वो भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर तबाही मचाते हुए हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल यहाँ पर अगर जो DTR की टीम की बात करें, तो उन्हें यहाँ पर जो है वो रिवाइवल मिल गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से अब वो जो है वो रोटेशन कहीं ना कहीं डालने की ट्राई करेंगे। लेकिन नॉट गोना लॉस के प्लेयर जो है वो उनके हत्थे चढ़ चुके हैं, और जो नॉट गोना लॉस है उन्होंने अपने दो प्लेयर, एक प्लेयर जो है वो फोगाट उसको तो खो दिया ही था, लेकिन फिलहाल जो उनके एक IGL है NGL स्नेक वो कहीं ना कहीं नॉक हो गए थे और जो है वो जोन में फिर से नॉक हो जाएंगे। तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में फिलहाल यहाँ पर जो नॉट गोना लॉस की टीम है वो मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज इस सिचुएशन में वो रिवाइवल तो दे पाएंगे नहीं, तो इन्हें तो जो है वो फिलहाल जोन पकड़ना ही होगा। अगर ये जोन नहीं पकड़ेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में होंगे। लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से बगी के चलते फिलहाल AP-7 ने जो है वो कुचल कर जो एक नॉक है वो अपने नाम कर लिया है। तो जोन जो है वो पूरी तरीके से फिर से यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, और यहाँ पर सिर्फ एक लौता कंपाउंड जो है वो हमें देखने मिल रहा है। प्ले जोन के चलते बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो है वो हमें दिखाई दे रही है, और कैजुअलिटीज़ जो है वो फिलहाल यहाँ पर सारी की सारी टीम्स की जो है वो हो गई है। फिलहाल यहाँ पर अगर जो यंग मनी की बात करें, तो जो यंग मनी है वो फिलहाल अपना जो रोटेशन है वो डालेगी, बिकॉज 8 किल के साथ वो तो जो है वो तबाही मचाए हुए है। वहीं अगर जो बात करें, फिलहाल 5 टीम अबे भी सर्कल में अलाइव बची हुई है, जिसमें सेवेक वॉरियर्स हमें दिखाई देगी, स्पाई द किंग दिखाई देगी, भूत दिखाई देगी, और जिन्होंने फिलहाल नॉट गोना लॉस के प्लेयर्स को स्पॉट कर रखा हुआ है, और यहाँ पर कंटिन्यू स्प्रे जो है वो देने की ट्राई जो है वो भूत के प्लेयर्स की कहीं ना कहीं आ रही थी, जिसके चलते फिलहाल यहाँ पर जो AP-7 है वो ऑलमोस्ट 1 HP बच गए थे। लेट्स ही देखेंगे कि फिलहाल यहाँ पर जो है वो चिकन डिनर कौन सी टीम अपने नाम करेगी, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा भयंकर घमासान जो है
वो सारी की सारी टीम्स का हमें देखने मिल रहा है। फिलहाल फियर अयाज को जो है वो भूत 313 ने स्पॉट कर कर रखा हुआ था, और कॉन्स्टेंट स्प्रे जो था वो दे रहे थे, लेकिन पीछे से रिटालिएशन फायर जो है वो उनकी टीम का आया, जिन्होंने भूत पीपी को फिलहाल जो है वो नॉक कर दिया है। तो लेट्स ही देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो नॉट गोना लॉस की टीम किस तरीके से इस सिचुएशन में से बाहर आएगी। वेल, बहुत ही ज़्यादा घमासान फिलहाल सारी की सारी टीम्स के बीच में मचा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जहां सारी की सारी टीम जो है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं स्पॉट करने की ट्राई कर रही है। यंग मनी की बात करें तो जो यंग मनी है वो फिलहाल अपनी जो है वो किल्स उठाकर फिलहाल जोन में जाने की ट्राई कर रही है, जहां उन्होंने फिलहाल यहां पर सारी प्लेयर्स को स्पॉट कर कर रखा हुआ है। भूत के प्लेयर्स जो है उनके साथ कहीं ना कहीं फाइट जो है वो यंग मनी की एंगेज हो चुकी है, जिसमें भूत पीपी जो है वो 1 HP बचे हुए, भूत सीपी जो है वो नॉक हो चुके हैं, भूत केपी जो है वो भी नॉक हो चुके हैं, और यहाँ पर भूत 313 जो है वो नेड हुक कर कर यहाँ पर यंग मनी के प्लेयर्स को स्पॉट करने की ट्राई कर रहे थे, जहाँ बहुत ही प्यारा जो नेड था वो हुक किया था लेकिन सही पोजिशन पर नहीं जा पाया। फिलहाल यहाँ पर भूत 313 को तो मैं यही सजेशन दूंगा कि बड़ी फटाफट से जोन पकड़ो, अगर आप यहाँ पर रिवाइवल देने बैठे तो आपकी टीम तो जाएगी जाएगी, आप भी साथ में शायद अपना जो किल है वो गवा सकते हो। तो मैं तो इन्हें यही सजेशन दूंगा कि फटाफट से इन्हें जोन जो है वो पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज विद इन अ 1 मिनट जो जोन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कटना शुरू हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर भूत की जो टीम है वो पूरी तरीके से एक छोटे से स्टोन के पीछे अपनी जो फ्लैंक को लेकर बैठी है, और यहाँ पर SWMR का बहुत ही बढ़िया जो है वो रोटेशन आकर यहाँ पर जो है भूत के प्लेयर्स को नॉक एंड फिनिश जो है वो निकाल के गया है। तो फिलहाल यहाँ पर चार प्लेयर्स अभी भी, चार टीम्स जो है वो अभी भी अलाइव देखने मिल रही है, जिसमें हमें द स्पाय द किंग की टीम जो है वो अलाइव है, नॉट गोना लॉस की टीम जो है वो अभी भी अलाइव हुआ है, यंग मनी की जो टीम है वो भी अलाइव है, और जो सेवेक वॉरियर्स की टीम है वो भी फिलहाल यहाँ पर अलाइव देखने मिल रही है। भाई नेक्स्ट मैच में कौन सा मैप होगा? बड़ी नेक्स्ट मैच में आप लोगों को जो है वो सैनॉक मैप देखने मिलेगा, अननोन नाम वाले को दिखाओ। बड़ी जो अननोन प्लेयर है मिस्टर सब्बीर, वो फिलहाल उनकी टीम जो है वो नॉक एंड फिनिश पूरी तरीके से हो गई है, तो फिलहाल हम उन्हें आपको नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ पर अभी चार टीम अलाइव बची हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं एडवांटेज जो है वो पूरी की पूरी तरीके से दो टीम के पास मुझे फिलहाल लग रहा है, जहाँ स्पाय द किंग के प्लेयर्स को एफ फियर अयाज ने यहाँ पर स्पॉट किया और बहुत ही बढ़िया M24 का शॉट दिया था और ऑलमोस्ट 1 HP छोड़ा था, लेकिन पीछे से बहुत बढ़िया रिटालिएशन फायर जो था वो स्लेयर का आया, जिन्होंने यहाँ पर फियर अयाज को जो है वो नॉक निकाल लिया है। फिलहाल यहाँ पर जो AP7 अपने प्लेयर्स को कहीं ना कहीं रिवाइव देने की ट्राई करेंगे। वहीं अगर जो यंग मनी की बात की जाए तो यंग मनी के जो प्लेयर्स है वो फिलहाल अपने किल्स जो है वो उठाने की ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ पर 7 नंबर के प्लेयर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पुश ऑन कर फिलहाल जो है वो नॉक एंड फिनिश निकाल लिया है। तो बहुत ही घमासान हो रहा है, एक छोटा सा कंपाउंड हमें फिलहाल यहाँ पर जो है वो हमारी लास्ट स्क्रीम्स जो थी वो याद आ गई है, बिकॉज लास्ट स्क्रीम में भी कुछ इसी तरीके से एक अकेला कंपाउंड बचा हुआ था, जिसमें सारी की सारी टीम जो थी, दोनों की दोनों टीम जो थी वो होल्ड लिए हुए थे, जिसमें DTR की टीम नीचे थी और BL की टीम ऊपर थी। तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेगी, बिकॉज 8वां जोन जो है वो कट चुका है। यहाँ पर SWMR को एडवर्ड ने बहुत बढ़िया तरीके से स्पॉट किया है, मशीन गन उनके पास है पूरी तरीके से, यहाँ पर रोटेशन जो फ्लैंक जो है वो आता हुआ, और SWMR ने बहुत ही बढ़िया तरीके से AKM का स्प्रे दिया, जिसके चलते यहाँ पर बैरल का जो स्प्रे था वो दिया, और जिसके चलते यहाँ पर जो है वो नॉक एंड फिनिश इंस्टेंट निकाल लिया। तो फिलहाल यहाँ पर 2v1v1 सिचुएशन हो गई है, जहाँ SWMR ने बहुत ही बढ़िया तरीके से 8 किल अपने नाम कर दिया, और एक जो नेड है वो बहुत ही प्यारा हुक किया है, लेकिन ओ गॉड किल जो है वो बाजू के कंपाउंड में अपना जो होल्ड है वो लिए बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं उसकी कैजुअलिटी तो फिलहाल नहीं हो पाएगी। फिलहाल नॉट गोना लॉस की बात करें तो वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रोकन वॉल के नीचे आ चुके हैं और वो अपनी पोजीशन जो है वो बनाए हुए हैं। ओ गॉड किल की बात करें तो वो यहाँ पर अपसाइड देखने मिल रहा है, तो लेट्स ही देखेंगे कौन सी टीम किस पे भारी पड़ेगी, बिकॉज जोन जो है वो पूरी तरीके से कट चुका है और अब जो जोन बनेगा वो हिल बैटल के लिए ही बन सकता है। फिलहाल यहाँ पर SWMR है, उन्होंने कॉन्स्टेंट मॉली जो है वो थ्रो की और थ्रोएबल जो है वो थ्रो कर कहीं ना कहीं जो किल है वो निकालने की ट्राई कर रहे हैं, जहाँ AP7 जो है वो किल नॉक जो है वो हो गए, जिसके चलते फियर अयाज जो है उन्होंने यहाँ पर जो है वो उन्हें रिवाइवल की प्रोसीजर कंप्लीट कर दी है। SWMR की बात करें तो अब उस एरिया में अगर उन्होंने एक आधा भी नेड हुक किया तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में सामने वाली टीम्स जा सकती है। फिलहाल तो जो है वो बहुत बड़ी एक प्यारी मॉली थी उसे यहाँ पर हुक की गई, लेकिन जो कैजुअलिटी है वो ज़्यादा कुछ हुई नहीं है। तो अभी भी फिलहाल यहाँ पर जो है वो चार टीम हमें अलाइव देखने मिल रही है, AP7, फियर अयाज, ओ गॉट किल, SWMR, और इनके बीच में तो बहुत ही ज़्यादा घमासान जो है वो मच रहा है, और अब जोन जो है वो श्रिंक होने में थोड़ी ही सेकेंड्स बाकी है। अगर जोन श्रिंक हुआ
तो हिल बैटल लाजमी है, और वो हिल बैटल में कौन जीतेगा वो देखना होगा, बिकॉज मुझे लग रहा है वहाँ तक हिल बैटल के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। और अगर हीलिंग्स की बात करें तो SWMR के पास एक मेड किट, दो हेल्थ किट, 10 बैंडेजेस देखने मिल रही है। ओ गॉड किल की बात करें तो उनके पास 4 हेल्थ किट, 10 बैंडेजेस देखने मिल रही है। AP7 की बात करें तो उनकी हीलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर फियर अयास की भी जो है वो हीलिंग कंप्लीट हो गई है। तो वेल फिलहाल यहाँ पर नॉट गोना लॉस है, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि पुश कर दो भाई, आपके पास जो है वो ज़्यादा हीलिंग्स नहीं है। वहीं अगर जो एक बार जोन पर नज़र डाल लें तो जोन तो यहाँ इस कंपाउंड से हटकर ओपन में ही जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर ओपन में गया तो सारे के सारे प्लेयर्स को कंपाउंड छोड़कर आगे आना पड़ेगा, और SWMR जो है वो इस चीज़ का बहुत ही प्यारा एडवांटेज जो है वो निकाल सकता है, बिकॉज वो रीच के नीचे है और सामने से टीम्स आएगी तो उनको तो दिखाई देगी ही देगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर एडवांटेजेस की बात करूँ मैं तो SWMR है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज में फिलहाल मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स सी, देखेंगे कि फिलहाल कौन सी टीम जो है वो आगे बढ़ेगी। सारे के सारे प्लेयर्स होल्ड कर कर बैठे हुए हैं, कोई भी प्लेयर अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। फिलहाल एक और मॉली यहाँ पर थ्रो कर दी गई है, और यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से ओवर किल ने नीचे पुश किया, लेकिन AP7 का बहुत बड़ा फायर तो आया ही आया, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉली जो SWMR ने थ्रो की थी जिसका डैमेज उनको पड़ा और अपनी जान जो है वो गवा दी। तो फिलहाल यहाँ पर SWMR जो है वो पूरी तरीके से नेड मॉलीज थ्रो किए जा रहे हैं, और पता नहीं इतनी सारी मॉलीज और नेड्स कहाँ से इन्होंने उठाई थी। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है वो अपना गेम प्ले दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर नॉट गोना लॉस के जो प्लेयर्स हैं उनके पास ज़रा भी HP हीलिंग्स जो है वो नहीं बची हुई, और अगर जो जोन की बात करें तो जोन जो है वो अब थोड़ी ही देर में विद इन अ सेकेंड जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, और तब देखना होगा कौन सी टीम जो है वो यहाँ बाजी मारेगी। फिलहाल तो जो है वो सेवेक वॉरियर्स के SWMR है वो मुझे एडवांटेज में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर जो हीलिंग की बात करें तो जो एक किल निकाला था उनकी पेटी में से जो हील है वो उन्होंने चुरा ली है, और अपने आप को बूस्टअप जो है वो कर लिया है। तो लेट्स सी, देखेंगे इस सिचुएशन में कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। भाई जोन ऑलमोस्ट हील बैटल जो है उस पर चीज़ें आ गई है, और सारी की सारी जो टीम्स है वो पूरी तरीके से भाई होल्ड किए हुए हैं। दो पॉइंट्स की लड़ाई है, जो टीम पहले पे आएगी वो 15 पोजीशन पॉइंट लेगी, और जो सेकंड पे आएगी वो 13 पोजीशन पॉइंट लेगी। तो सिर्फ दो पॉइंट का जो है वो फर्क है, 13 पॉइंट्स शायद उड़ाएगी, तो दो या तीन पॉइंट का ही फर्क है जिसके लिए जद्दोजहद है वो तीनों के तीनों प्लेयर जो है वो किए जा रहे हैं। और SW अब जोन जो है वो कटना शुरू हो गया है, और फिर आज पूरी तरीके से पुश करने की ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत बढ़िया जो है वो पुश ऑन किया, जहाँ 1 HP छोड़ दिया, और एक प्लेयर जोन में ही था जिसका एडवांटेज नॉट गोना लॉस ने उठा लिया, और नॉट गोना लॉस ने बहुत ही बढ़िया दिमाग जो है वो अपना चलाया, जिसके चलते यहाँ पर जो है वो चिकन अपने नाम किया। तो वेल प्लेड नॉट गोना लॉस, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी थी वो आपने चलाई, जिसके चलते जो किल है वो आपके, माफ़ कीजिएगा, चिकन जो है वो अपने नाम हुआ। तो वेल गाइस, कहीं भी जाइएगा मत, थोड़ी ही देर में आप लोगों को जो है वो सैनोक की जो मैच है वो शुरू होते हुए दिखाई देगी, और बहुत ही ज़्यादा घमासान जो है वो सारी की सारी टीम मचा रही है, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया गेम प्ले जो है वो सारी की सारी टीम जो है वो दिखाई दे रही है। तो बस कहीं भी जाइएगा मत, थोड़ी देर में जो फाइट्स है वो शुरू हो जाएगी।
हेलो पबजी लवर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ FNC e-sports, माफ़ कीजिएगा वीडियो नहीं, लाइव स्ट्रीम, और वो भी पुरानी जो अभी तक चल रही थी, जिसमें आप लोगों को जो है वो अब एंटरटेनमेंट जो है वो देखने मिलेगा सैनॉक मैप से। और जो है वो सैनॉक मैप में सारी की सारी जो टीम्स हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, और सारे स्लॉट्स है वो जो है वो आप लोगों को नेट बराबर आकाश पटेल भाई मारू नेट पति जवान हूँ, अरे बड़ी 144 पे कर दो दूसरा तो क्या। तो वेल सारी की सारी टीम जो है वो हमें ज्वाइन कर ली है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो स्क्रीन में आने वाला है। और जैसे कि पहली दो मैच की बात करें तो स्पाई द किंग ने अपना चिकन डिनर जो है वो निकाल लिया था, और अगर जो बात करें हम यहाँ पर सेकेंड मैच की, तो सेकेंड मैच में जो चिकन डिनर था वो जो हमारी टीम थी नॉट गोना लॉस उन्होंने निकाला हुआ था। तो वेल दोनों की दोनों जो टीम है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना गेम प्ले दिखाकर चिकन डिनर मारने में कामयाब हुई थी। और फिलहाल पबजी वालों की अगर बात करें तो पबजी वाले हमें एंटर होने ही नहीं दे रहे हैं, और भाई एंटर होने दे दिया, थैंक गॉड, मुझे लगा पबजी भी हमसे दगा करेगा। वेल फिलहाल यहाँ पर अगर जो फ्लाइट पाथ की बात करें तो जो फ्लाइट पाथ है वो यहाँ पर शुरू हो गया है, और अगर जो बात करें फ्लाइट पाथ का तो हाईता से होता हुआ पैराडाइज रिसोर्ट की तरफ ला काव्या और कैंपोंग की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ सारी की सारी टीम्स जो है वो अपने लैंड लेने शुरू कर दी है। फिलहाल यहाँ पर अगर जो बात करें बूट कैंप की, तो बूट कैंप पर मुझे बहुत ही ज़्यादा टीम्स जो है वो दिखाई दे रही है जाते हुए, जहाँ फिलहाल DTR की जो टीम है उन्होंने सबसे पहली अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड की, और उनके काफ़ी ज़्यादा करीब हमें नॉट गोना लॉस की जो टीम है वो भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो वेल ये तो क्लैश जो है वो बहुत ही ज़्यादा एपिक क्लैशों में से एक होता ही है, बिकॉज दोनों की दोनों जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा स्पार्कलिंग टीम्स है। और वहीं अगर जो बात करें हम फिलहाल टीम नंबर 7 की, तो स्पाई द किंग भी उनके काफ़ी ज़्यादा करीब दिखाई दे रही है। तो वेल बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी टीम्स ने अपनी पोजीशन जो है वो ग्रैब की हुई है, और वन बाय वन हम आप लोगों को सारी टीम्स के जो एरियाज़ है वो एरियाज़ बता दें कि वो कहाँ पर उतरे हुए हैं। तो अगर बात करें हम सेकेंड नंबर पर, तो सेकेंड नंबर पे फिलहाल यहाँ पर जो टीम है वो अपनी लूट कंप्लीट यहाँ कर रही है। वहीं अगर जो टीम BL की बात करें तो टीम BL यहाँ पे अपनी लूट जो है वो कंप्लीट कर रही है। टीम नंबर सेकेंड जो थी वो टीम इन्फर्नो थी जो अपनी लूट कंप्लीट कर रही थी। वहीं अगर जो बात करें फोर्थ नंबर के स्लॉट से, तो फोर्थ नंबर के स्लॉट से आप लोगों को सेवेक वॉरियर्स की जो टीम है वो एंटरटेन करते हुए दिखाई देगी। वहीं अगर जो फिफ्थ नंबर की बात करें तो डैसिंग ऑफिशियल जो है वो देखने मिलेगी। वहीं सिक्स नंबर की बात करें तो भूत एक्स की जो टीम है वो आपको दिखाई देगी। वहीं अगर जो बात करें सेवन नंबर के प्लेसेस पे स्पाई द किंग फिलहाल आपको दिखने मिलेगी। वहीं अगर जो एट नंबर के स्लॉट की बात करें तो सीक्रेट टीम देखने मिल रही है, जहाँ साद द मोस्ट प्रीशियस प्लेयर ऑफ टीम सीक्रेट जो पूरी तरीके से नॉक एंड फिनिश यहाँ पर हो गए हैं। तो वेल बहुत ही बड़ा मैं कहूँगा यहाँ पर जो है वो डिसएडवांटेज और डैमेज जो है वो उन्हें पड़ा है। और यलगार आर्मी ने फिलहाल यहाँ पर जो सीक्रेट टीम के एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर थे साद, उन्हें पूरी तरीके से नॉक एंड फिनिश कर दिया है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर चीज़ें सीक्रेट टीम के लिए कैसे आगे बढ़ती है और वर्कआउट करती है। वेल फिलहाल यहाँ पर सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि गाइस लैग वैग तो नहीं हो रहा है, एक बार प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। जोन जो है वो अब अपसाइड पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया, और हमारे जोन की तो प्रथा है ही कि जहाँ टीम नहीं होती है वहाँ आप लोगों को जो है वो प्लेयर माफ़ कीजिएगा जोन शिफ्ट होते हुए दिखाई देता है। तो वेल देखेंगे कि सारी चीज़ें यहाँ पर कैसे टीम्स के लिए वर्कआउट करती हैं। वहीं अगर जो बात करें हम नॉट गोना लॉस के प्लेयर्स की, तो नॉट गोना लॉस के प्लेयर्स ने बूट कैंप पे अपना जो है वो लैंड लिया हुआ है, जहाँ आप लोगों को NGL स्नेक, AP7 और फोगाट देखने मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर बूट टीम की बात करें तो बूट टीम की फ़ाइट कहीं ना कहीं एंगेज्ड होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए फटाफट से बूट टीम पे हम चले जाते हैं, जहाँ बूट टीम ने जो है वो अपनी फ़ाइट जो है वो इन्फेर्नो के साथ कंडक्ट की है, जहाँ इन्फेर्नो के एक प्लेयर को डाउन कर दिया है EIZ दिवेश को, और फिलहाल उन्हें जो है वो रिवाइव भी मिल चुका है। तो वेल देखेंगे कि यहाँ पर चीज़ें उनके लिए कैसे आगे बढ़ेगी, बिकॉज
दोनों की दोनों टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीस्ट टीम्स है, सारी की सारी टीम्स जो है वो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज 64 टीम्स जो थी उन्होंने हमारे कॉम्पिटिटिव स्क्रीम में पार्टिसिपेट किया था और अभी वो अब यहाँ खेलना है। वेल गाइज, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनसे कहूँगा कि लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट स्क्रीम जो है वो मंडे से शुरू हो जाएगी। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो किस चीज़ की वेट कर रहे हो, 59 टीम्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स है, तो फटाफट से जाइए, मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए जो हमने व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाया है डिस्प्ले पे, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करवाना मत भूलिएगा। फिलहाल यहाँ पर अगर जो बात करें भूत सीपी की, तो पूरी तरीके से पुष्के मूड में थे, जहाँ यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से इन्फेर्नो के जो प्लेयर्स थे उन्होंने फील्डिंग जमाई हुई थी और भूत सीपी को नॉक कर दिया। और यहाँ पर भूत केपी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है फ्री फायर देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डीवीएच उस फ्री फायर में नहीं आ पाए। तो वैसे फिलहाल भूत की जो टीम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो खतरे में दिखाई दे रही है, बिकॉज इन्फेर्नो के प्लेयर्स ने सारे के सारे प्लेयर्स की जो है वो एचपी लो कर दी है, सीपी नॉक पड़े हुए, पीपी अकेले जो प्लेयर है उनकी एचपी जो है वो बूस्टअप हुई है। फिलहाल यहाँ पर अगर जो केपी की बात करें तो केपी यहाँ पर बूस्टअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्फेर्नो के जो प्लेयर्स है वो पूरी तरीके से अपनी जो फील्डिंग है वो जमाए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो मित्तल अरोरा है वो यहाँ पर नॉक हो चुके थे, जिनको फिलहाल रिवाइवल की जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं देने की ट्राई कर रही है, जहाँ फिलहाल बहुत बढ़िया तरीके से ड्रैगन को स्पॉट करकर नॉक एंड फिनिश जो है वो निकाल लिया गया। और भूत पीपी की केपी की बात करें तो वो फिलहाल यहाँ पर दिव्येश को कहीं ना कहीं स्पॉट करकर नॉक करने की ट्राई कर रहे हैं, एक सही वक्त सही एंगल सही मौके के तलाश में मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा वो मौका उनके लिए कब आता है और वो जो है क्या नॉक निकाल पाते हैं। फिलहाल यहाँ पर राइट और लेफ्ट इस तरीके से दोनों के दोनों जगह पे जो इन्फेर्नो के प्लेयर्स है वो आ चुके हैं और जो जोन है वो यहाँ पर पूरी तरीके से कटना शुरू हो गया है, जहाँ मित्तल अरोरा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो अपना रोटेशन है वो डाला, लेकिन भूत के प्लेयर्स ने फिलहाल यहाँ पर दिव्येश को स्पॉट कर ऑलमोस्ट 1 HP छोड़ दिया और अब फिलहाल जो है वो बैंडेज के चलते अपने आप को हीलअप करने की ट्राई कर रहे हैं। जहाँ भूत सीपी की बात करें तो उन्होंने मित्तल अरोरा को जो है वो स्पॉट कर रखा हुआ है, तो लेट्स सी देखेंगे कि यहाँ ये किस तरीके से चीज़ें उनके लिए आगे बढ़ेगी, बिकॉज मित्तल अरोरा जो है वो मेरे जो लग रहा है वहाँ तक जोन को प्रेफरेंस देकर जोन में जाने की यहाँ ट्राई करेंगी। तो लेट्स सी भूत के प्लेयर्स उन्हें स्पॉट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, बिकॉज इन्फेर्नो के 3 प्लेयर्स तो यहाँ पर नॉक एंड फिनिश निकल चुके हैं। भूत केपी की बात करें तो मित्तल अरोरा को वो स्पॉट करने की ट्राई कर रहे हैं, मोस्टली सारी की सारी प्लेयर्स जो है उन्हें पता है कि जो स्टोन है उसके पीछे मित्तल अरोरा ने यहाँ पर जो है वो अपनी पोजिशन होल्ड की हुई है ऐसा लग रहा है, बट लेट्स सी देखते हैं कि भूत के प्लेयर्स सही तरीके से उन्हें स्पॉट कर पाते हैं। फिलहाल यहाँ पर भूत 303 की बात करें तो उन्होंने फिलहाल बहुत बढ़िया तरीके से फ्लैंक डाला हुआ और जो भूत के प्लेयर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं चकमा देने की ट्राई करी, लेकिन ओपन में ही जो है वो प्रोन हो गए। पर भूत सीपी को बहुत ही बढ़िया UMP का शॉट निकाला, लेकिन भूत 313 ने बहुत बढ़िया फ्लैंक किया हुआ था, जिसके चलते जो नॉक एंड फिनिश है वो यहाँ पर निकलता हुआ। फिलहाल जो जोन है वो कटकर पूरी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है, जहाँ फिलहाल आपको सिर्फ 2 टीम जो है वो दिखाई दे रही है और हमारा एयर ड्रॉप जो है वो भी आ चुका है। और अगर जो आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स की फाइट हो गई है, जहाँ रिचा ने फिलहाल माया को नॉक जो है वो निकाल लिया है। और अगर जो यूनिक वीरू की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर रिचा को नॉक निकाल लिया है। तो फिलहाल यहाँ पर हर जगह घमासान ही घमासान मचा हुआ है, जहाँ माया पूरी तरीके से नॉक एंड फिनिश हो गई है, वहीं यूनिक वीरू की बात करें तो वो नॉक पड़े थे, जिनको रिवाइव देने की ट्राई फियोनिक्स ने की, लेकिन पीछे से बहुत बढ़िया रिटालिएशन फायर आया, जिसके चलते यहाँ पर जो टीम नंबर 5 थी वो हमें नॉक एंड फिनिश होती हुई दिखाई दे रही। मनोज OP टीम नंबर 5 अभी ही जस्ट एलिमिनेट हुई है। वहीं अगर जो बात करें टीम BL की, तो उनके प्लेयर जो है वो बेबी अलायंस यहाँ पर नॉक हो गए और आत्महत्या करते हुए हमें दिखाई दिए, जहां फिलहाल 2 प्लेयर अभी भी अलाइव बचे हुए हैं, जिनका नाम है TFX रुद्रॉक्स और क्लच गॉड। और यहां पर उनके जो प्लेयर्स हैं वो फिलहाल शार्प के प्लेयर्स को कहीं ना कहीं अपना निशाना बनाए हुए हैं, तो लेट्स सी देखेंगे क्या वो सही तरीके से स्पॉट ऑन कर पाएंगे, बिकॉज पूरा का पूरा जो एरिया है
वो यहाँ पर टीम भी शार्प को कहीं ना कहीं कवर करना पड़ेगा, बिकॉज जोन जो है वो थोड़ी ही देर में कटना शुरू होगा। और नेक्स्ट एयर ड्रॉप आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जिसमें हमें फ़िलहाल AWM और लेवल 3 की यूटिलिटीज़ जो है वो दिखाई दे रही है। तो वेल देखेंगे कि चीज़ें यहाँ कैसे वर्कआउट करेगी। फ़िलहाल अगर जो हम नीचे आ जाए तो नीचे फ़िलहाल यहाँ पर जो फाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा एंगेज हुई है, जहाँ पर दोस्ती टॉयस को नॉक कर दिया गया है। निंजा जो है वो 1 HP बचे हुए, तो फिलहाल यरगार आर्मी जो ग्रुप स्टेजेस में मचाते हुए दिखाई दे रही थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी डाउन दिख रही है। और अभी भी फ़िलहाल उनके पास 6 किल्स तो है, लेकिन उन्होंने अपने 3 प्लेयर्स खो दिए हैं। और मैन पावर स्क्रीन में बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज देता है। फ़िलहाल यहाँ पर अगर जो निंजा की बात करें तो निंजा जो है वो फ़िलहाल अपने SW सूफी को कहीं ना कहीं स्पॉट करने की ट्राई कर रहे हैं, और जो जोन है वो पूरी तरीके से कटना शुरू हो जाएगा, और जोन का डैमेज जो है वो भी पड़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये जो जोन है वो 3rd जोन फ़िलहाल यहाँ पर है। वहीं अगर जो बात करें रोटेशन की, तो जो यंग मनी की टीम है बहुत बढ़िया रोटेशन डाल रही है। फिलहाल यहाँ पर निंजा ने बहुत बढ़िया तरीके से कादरी अमर को यहाँ पर स्पॉट कर इंस्टेंट नॉक जो है वो निकाल लिया है। SW अमर जो है वो बहुत ज़्यादा दूर उनसे है, बट मुझे लग रहा है वहाँ तक ये जो है वो निंजा को कहीं ना कहीं स्पॉट कर लेंगे, बिकॉज निंजा जो है वो ओपन में ही अपना रोटेशन डालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर सूफी ने स्पॉट कर तो लिया है, बट फायर क्यों नहीं दे रहे हैं। वेल यहाँ पर निंजा ने पूरी तरीके से कादरी अम्मार को स्पॉट कर रखा हुआ है, और कादरी अम्मार फिलहाल हाइड एंड सीक कहीं ना कहीं खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और SW सूफी की बात करें तो वो निंजा को कहीं ना कहीं सही एंगल पकड़ कर मारने की ट्राई करेंगे, लेकिन निंजा ने फिलहाल कादरी अम्मार का जो काम है वो तमाम कर दिया है। और अगर जो SW सूफी की बात करें तो वो फिलहाल यहाँ पर जो निंजा है उसकी वेट कर रहे हैं, और जो निंजा है उन्हें भी पता है कि SW सूफी जो है वो स्टोन के पीछे अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। जी बड़ी श्योर हम फटाफट से सारी की सारी टीम्स पे अपना जो ADS है वो लेकर जाएंगे। फ़िलहाल जो है वो यहाँ फाइट एंगेज माफ़ कीजिएगा कैमरा जो है वो लेकर जाएंगे, बिकॉज जो फाइट है वो यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से एंगेज हुई है, और ये बंदे ने ऑलमोस्ट 5 किल कर लिए, तो इन पे फिलहाल फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर SW सूफी को यहाँ पर स्पॉट किया निंजा ने, बहुत बढ़िया बैरर का स्प्रे, लेकिन सूफी का बहुत ही बढ़िया टॉमी का स्प्रे आया, जहाँ 1 HP SW सूफी बचे हुए थे, जिसके चलते यहाँ पर जो है वो यलगार आर्मी का टाटा बाय बाय जो है वो हमें देखने मिला। तो फिलहाल यहाँ पर अगर जो बात करें बशहर की, तो उन्हें यहाँ पर DTR की जो टीम है उन्हें देखना है। तो फिलहाल DTR की जो टीम है वो बहुत बढ़िया तरीके से जो पैराडाइज रिसोर्ट है वहाँ अपनी लूट कंप्लीट कर रही है, और अकेले वहाँ पैराडाइज रिसोर्ट में बैठी हुई है। भाई टीम सीक्रेट को दिखाओ आफ्ताब शेख जी, बड़ी ज़रूर टीम सीक्रेट को भी दिखाया जाएगा। तो अरे बड़ी टीम सीक्रेट तो जो है उन तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में ही वाइप हो गई है। हाँ जी, स्टार्टिंग में ही 1 किल किया था उन्होंने, और टीम सीक्रेट जो है वो पूरी तरीके से बड़ी वाइप हो गई है, तो हम उन्हें आपको नहीं दिखा पाएंगे। फिलहाल जो जोन है वो पूरी तरीके से डाउनवर्ड अब शिफ्ट हो गया, और कहीं ना कहीं टीम जो है वो फिलहाल जोन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। जहाँ यंग मनी की बात करें तो वो बहुत बढ़िया तरीके से फ्लैंक कर कर कहीं ना कहीं आए हुए थे, बट अब फिलहाल यहाँ पर जो है वो उन्हें फिर से रोटेशन डालना पड़ेगा। और जो टीम नंबर 4 की बात करें हम, तो उनकी फ़ाइट फ़िलहाल यहाँ पर नॉट गोनो लॉस के साथ हमें एंगेज होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा करीब उन्होंने अपना रोटेशन जो है वो डाला हुआ है। तो लेट्स ही देखेंगे कि फ़िलहाल यहाँ पर किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। और 3rd नंबर की जो टीम है फ़िलहाल, 3 टीम्स यहाँ पर आ गई है। वेल फ़िलहाल यहाँ पर जो कॉल्स है वो थोड़ा सुनने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते थोड़ा गलत एंगल्स दे दिया गया। फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो ड्रॉप हमारा आ चुका है, और ड्रॉप में अगर हम बात करें तो जो ड्रॉप है वो नंबर 4 AWM दिखाई दे रही है, और जो टीम नंबर 4 है उनकी फ़ाइट फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो एंगेज्ड होती हुई नॉट गोनो लॉस के साथ दिखाई दे रही है, जहाँ फ़िलहाल नॉट गोनो लॉस का एक आधा प्लेयर को उन्होंने नॉकडाउन जो है वो भी कर दिया था। जी फियर अयास को फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो नॉक कर लिया गया था, जिसको फ़िलहाल फोगार्ड जो है वो रिवाइव देने की ट्राई कर रहे हैं। वेल लेट्स ही देखेंगे कि सारी टीम्स जो है वो अब अपना रोटेशन कैसे डालेगी। फियर अयास को फिर से यहाँ पर भूत अमु ने बहुत बढ़िया तरीके से स्पॉट किया, और इंस्टेंट एट अ टाइम नॉक एंड फिनिश जो है वो निकाल लिया है। फ़िलहाल यहाँ पर SW अम्मार को जो NGL स्नेक है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से स्पॉट किया और जो नॉक है वो निकाला, लेकिन SW सूफी की बात करें तो वो फ़िलहाल
रिवाइवल की जो प्रोसीजर है उसे कंप्लीट करने की ट्राई कर रहा है। तो फिलहाल इतनी सी छोटे से एरिया में आप लोगों को सेविक वॉरियर्स नॉट गोना लॉस भूत भूत एक्स दिखाई दे रही है। तो लेट्स ही देखेंगे कि ये जो 4v4 क्लैश है उसमें कौन सी टीम बाजी मारकर जाती है। भूत टीम को दिखाओ बड़ी। भूत टीम जो है वो 4 किल के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जो होल्ड है वो लिए हुए है, आप लोगों को दिखाई दे रही है। माविया सैयद शेख आरिफ भाई भूत टीम को दिखाओ बड़ी। भूत टीम जो है वो यहाँ अपना लैंड जो है वो लिए हुए हैं। जहाँ केपी की बात करें तो केपी के 1 किल है, पीपी के 1 किल है और 313 के 2 किल अपने नाम है। वहीं अगर जो मैं बात करूँ जोन की तो जोन अब कटना शुरू हो रहा है और जोन जो है वो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये पैराडाइज रिसोर्ट पे नहीं जाएगा। बट लेट्स ही देखते हैं कि जहाँ नहीं बोला है मैंने क्या वहाँ जाता है। मुझे लग रहा है वहाँ तक ये जो भान या कैमब्राओ का एरियाज है उसे जोन जो है वो सपोर्ट करेगा और फिर से एक डाउनवर्ड शिफ्ट लेगा। हार्ड डाउनवर्ड तो नहीं बट डाउनवर्ड तो होगा ही होगा। लेट्स ही देखते हैं पैराडाइज रिसोर्ट जोन में रहता है या नहीं रहता। और पैराडाइज रिसोर्ट नहीं रिया बट जो जोन है वो अपसाइड थोड़ा शिफ्ट हो गया है और अब फिर से सिर्फ और सिर्फ 3 टीम्स जो है वो आप लोगों को जोन में दिखाई दे रही है। भाई मर गया क्या? हाँ बड़ी, टीम सीक्रेट जो है वो मर चुकी है, वाइप हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, टाटा बाय बाय हो चुकी है। वेल फिलहाल 3 नंबर की जो टीम है उन्होंने BRDM जो है वो अपनी मंगवा ली है और BL जो है वो ऑलवेज, मतलब मैंने जितनी मैचेस देखी है ना सैनॉक की, उनकी BRDM फेवरेट है। वो हर सैनॉक में अगर उनको फ्लैरगन मिलती है तो वो BRDM ही मंगवाते हैं और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा भी उनको मिलता है। फिलहाल यहाँ पर अगर जो भूत की टीम की बात करें तो वो फॉल बैक करती हुई हमें दिखाई दे रही है और अपना जो रोटेशन है वो स्टार्ट करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर जो जोन की बात करें तो अभी भी फ़िलहाल 12 टीम्स अलाइव बची हुई है और जोन में सिर्फ 3-4 टीम हमें दिखाई दे रही है। और जोन अब फिर से कटना शुरू हो चुका है और जोन जो है वो पूरी तरीके से दुश्मन बना हुआ है। फिलहाल यहाँ पर नॉट गोना लॉस की अगर बात करें तो उनके फोगार्ड जो है वो नॉक हो चुके हैं और एनजीएल स्नेक फिलहाल जो है वो अपना रोटेशन डालने की ट्राई कर रहे हैं। तो लेट्स देखेंगे क्या एनजीएल से इस तरीके से जो अकेले नॉक जो रोटेशन डाल रहे हैं जहाँ उनके प्लेयर्स उनसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, जहाँ शार्प के प्लेयर्स जो है वो उनका गेट कीप किए हुए है, वेल और अगर आगे ज़्यादा गए तो ख़तरा उनको हो सकता है। जहाँ शार्प रॉक्सन को उन्होंने ओपन में स्प्रे दिया और बहुत बढ़िया यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 HP छोड़ दिया था शार्प लियो की, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्पॉट ऑन किया था लेकिन थोड़ा ही स्पार्क जो है वो दे पाए। यहाँ पर मिस्टर अमेरिका को जो है वो उनका फ्लैंक करते हुए पकड़ लिया है और एंजल्स ने की बात करें तो मशीन गन उनके हाथ में है। तो लेट्स ही देखेंगे क्या M249 से वो धमाल मचाते हैं। फिलहाल मिस्टर अमेरिका है उनको प्री फायर देकर कहीं ना कहीं डैमेज देने की ट्राई जो है की जा रही है और यहाँ पर बहुत बढ़िया फ्री फायर जिसके चलते मिस्टर अमेरिका को अंदर 1 HP छोड़ा है और जंप शॉट मिस्टर अमेरिका का लेकिन रिटालिएशन फायर में फिलहाल यहाँ पर एंजल सिंह ने बहुत बढ़िया तरीके से मिस्टर अमेरिका को पूरी तरीके से नॉक एंड फिनिश जो है वो कर दिया और अब जो जोन है वो कटना शुरू हो गया। और यहाँ पर अगर जो नॉट गोना लॉस के टीम की प्लेयर की बात करें तो 2 प्लेयर अभी भी अलाइव बचे हुए हैं। और अगर जो DTR की बात करें तो DTR फिलहाल बहुत बढ़िया तरीके से कंपाउंड में अपना जो होल्ड है वो ली हुई है और फिलहाल यहाँ पर 0 किल्स उनके हैं। बट एंड में तो जो है वो बहुत बढ़िया किल्स उठाते हैं जहाँ फिलहाल कहीं ना कहीं बोनी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ सॉप रक्सन को जो बहुत बढ़िया तरीके से स्पॉट किया और पहला किल अपने नाम किया। तो वेल फिलहाल यहाँ पर जो है वो मुहूर्त कर लिया है, शुभ मुहूर्त जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से शार्प टीम्स को किल कर किया है और 2 किल DTR की टीम के हो चुके हैं। तो अब जो जोन है वो पूरी तरीके से मुझे लग रहा है वहाँ तक फिर से मिडल में शिफ्ट लेगा, लेकिन नहीं डाउनवर्ड शिफ्ट ले लिया है। प्रेडिक्शन की तो क्या ही कहूँ, होती ही नहीं है सही। वेल जिंदगी नो मर्सी की जो टीम है, माफ़ कीजिएगा डिफेंडर की टीम है, उन्होंने फिलहाल यहाँ पर जो है वो BRDM को स्पॉट किया और पूरी तरीके से फायर पे फायर दिए जा रहे हैं। और TFX रुद्र ओपी की बात करें तो वो जो वहाँ BRDM में से उतर चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर जो बात करें TFX रुद्र ओपी की तो उन्होंने डिफेंडर राणा को बहुत बढ़िया तरीके से स्पॉट किया और यहाँ पर बैरर का बहुत ही बढ़िया स्प्रे जिसके चलते
ऑलमोस्ट नॉक एंड फिनिश जो है वो निकाल लिया है यहाँ पर। अगर जो एक्सबॉट की बात करें तो एक्सबॉट होडी की बात करें तोहित की बात करें माफ़ कीजिएगा, तो वो वहाँ पर कंपाउंड में ही अपना जो एक्सबॉट स्मार्टी कंपाउंड में ही अपना लैंड लिए हुए। तो देखना होगा जो रुद्र रॉक्स ओपी है वो किस तरीके से ये सारे प्लेयर्स को स्पॉट करते हैं, बिकॉज उनके सामने अभी भी तीन प्लेयर्स जो है वो अलाइव बचे हुए हैं और मैन पावर का लॉस जो है वो उनको है। फिलहाल यहाँ पर प्रोन होकर नीचे से प्लेयर्स को स्पॉट करने की ट्राई कर रहे हैं, जहाँ उन्हें फ़िलहाल एकाधी टांग दिखाई दी थी लेकिन फायर नहीं दिया उन्होंने। फ़िलहाल जो है वो वहीं अपना एडीएस लगाए हुए कि कोई बंदा आए और वो फायर देकर नॉक जो है वो निकालने की ट्राई करे, जहाँ क्लच गॉड ने फिलहाल यहाँ पर एक्सबॉट स्मार्टी को बहुत बढ़िया तरीके से ब्लैंक कर स्पॉट किया और नॉक जो है वो निकाल लिया है, जिसके चलते फिलहाल यहाँ पर नॉक एंड फिनिश जो हो गए हैं। फिलहाल तौहीद जो है वो जोन में जाने की ट्राई कर रहे हैं और नो मर्सी अयान जो है वो फिलहाल बूस्टअप होने की ट्राई कर रहे हैं, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अयान का खात्मा जोन में होता हुआ आपको दिखेगा। जी हाँ, होते हुए दिखा। फिलहाल रुद्र रॉक्स ओपी भी नॉक हो चुके हैं और वो भी फिनिश हो जाएंगे। फिलहाल मैड डॉग ने पूरी तरीके से जो है वो पुश ऑन कर दिया और चार किल अपने नाम कर लिए है। और अगर जो बात करें डीटीआर की, तो डीटीआर ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। क्या अपना पहला चिकन, क्या वो अपना गोल्डन टैग फिर से हासिल कर पाएंगे, क्या वो फिर से इस स्क्रीम को टॉप कर पाएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बिकॉज जो उन्होंने धमाल मचाया था, जिसके चलते उन्हें फ़िलहाल यहाँ पर इनवाइटीज की तरह हमने एंट्री दी है, क्या उस पे वो खरे उतर पाएंगे। बिकॉज अभी तक तो उन्होंने चार किल बहुत बढ़िया निकाल लिया है और अब जोन जो है वो मिडल में शिफ्ट हो गया है। भाई पहले हो जाता तो यार प्रिडिक्शन अच्छी पड़ती, लोगों पे इम्प्रेशन हो जाती, क्यों नहीं हुआ। वेल फिलहाल यहाँ पर अगर जो डीटीआर की टीम की बात करें, तो जो डीटीआर के प्लेयर जो उनके ऊपर खुश जो है वो 12 नंबर की टीम का आ चुका है, जहाँ फिलहाल हेमडाल जो है वो नॉक हो चुके हैं। मैड डॉग की बात करें तो मैड डॉग जो है वो बैरर लेकर फिलहाल जो है वो अपने प्लेयर्स को कहीं ना कहीं स्पॉट ऑन करने की ट्राई कर रहे हैं। लीथल शॉ को भी पूरी तरीके से नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है और रंगबाज और मैड डॉग जो अकेले सर्वाइवल उनकी टीम के लिए बचे हुए हैं, जहाँ मैड डॉग को भी ऑलमोस्ट 1 HP जो है वो छोड़ दिया गया है और मैड डॉग जो है वो नॉक हो गए हैं। जहाँ डीटीआर रंगबाज की बात करें तो वैनम एबीएम ने उन्हें जो है वो स्पॉट कर रखा हुआ था और पूरी तरीके से पुश ऑन करने की ट्राई की, जहाँ बहुत बढ़िया तरीके से रंगबाज जो है उन्होंने अपना जो है वो बूस्ट अप करने की ट्राई कर रहे हैं। यार थोड़ा आगे चले जाके बूस्ट अप कर लेते, मैड डॉग को भी बचा पाते थे बढ़िया, बट मुझे लग रहा है वहाँ तक मैड डॉग को नहीं बचा पाएंगे, बिकॉज जोन जो है वो पूरी तरीके से कट चुका है। अभी भी चांस है, बड़ी जाप पकड़ ले, फटाफट हाथ लगा दे, ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, बट चलिए कोई नहीं। फिलहाल यहाँ पर जो है वो डीटीआर ने अपना जो एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्रीमियम प्लेयर जो है वो खो दिया है और सिर्फ 5 प्लेयर अब अलाइव बच गए हैं, जहाँ फिलहाल आप लोगों को डीटीआर से एक प्लेयर रंगबाज देखने मिल रहा है। वहीं 18 नंबर की टीम की बात करें तो यंग मनी के 2 प्लेयर अलाइव बचे हुए हैं। भूत 313 6 किल के साथ अपना गेम प्ले दिखा रहे हैं और क्लच गॉड 4 किल के साथ अपना जो है वो गेम प्ले दिखा रहे हैं और फिलहाल उनकी नज़र जो है वो भूत 313 पे कहीं ना कहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, और भूत 313 की जो नज़र है वो क्लच गॉड पे है। तो 2v1v1v1 सिनारियो जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर आ चुका है और कौन सी टीम यहाँ पर बाजी मारेगी। फिलहाल यंग मनी जो है वो मैन पावर ज़्यादा है, लेकिन उस मैन पावर को एट अ टाइम यहाँ पर हमारी कमेंट्री सुनकर शायद कम कर दिया। देबाज ने ऐसा सोचा कि चलिए अंसार को प्रसन्न कर देते और 1v1v1 सिचुएशन लेकर आ जाते हैं। तो फिलहाल सेबाज जो है भूत 313 वो धमाल मचाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जहाँ क्लच गॉड ने उन्हें स्पॉट कर रखा है। क्लच गॉड पे बहुत ही बढ़िया स्प्रे आते हुए यहाँ पर भूत 313 मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर 9 किल फिलहाल भूत 313 ने निकाल लिए, लेकिन पीछे से जो है वो रंगबाज ने स्पॉट किया, बट बहुत बढ़िया रिटेलिएशन फायर भूत का और भूत 313 ने मचा दिया। वॉट अ गेम प्ले गाइस एंड वॉट अ प्लेयर, सल्यूट, वेल प्लेड वेल प्लेड वेल प्लेड। तो वेल बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस, कहीं जाइएगा, अरे मतलब अब चले जाइएगा, बट कल फिर से ज्वाइन हो जाइएगा हमारे साथ और 9:20 को स्ट्रीम चालू हो जाएगी अगर बरसात नहीं हुआ तो, और बरसात हुआ तो बड़ी फिर स्क्रीम नहीं हो पाएगी लेकिन मैचेस तो होगी। तो वेल थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन, बहुत मज़ा आया, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, थैंक यू सो मच।
कुछ।